भारतीय जनता पार्टी के बख्शीगंज मोर्चा की मध्य जोन बृहद बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें बख्शीगंज मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता जी विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बख्शीगंज मोर्चा की ओर से आज मध्य जोन बृहद बैठक का आयोजन करवाया गया था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बख्शीगंज मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगमलाल गुप्ता जी इस बैठक के दौरान विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उनकी ओर से उपस्थित सभी को मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। इसके अलावा इस बैठक के दौरान छोटे बच्चों में किट का वितरण भी किया गया। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही थी और ये पूरा आयोजन रेसकोर्स सर्कल पर मौजूद वाणिज्य भवन में किया गया था। देखिए, गुजरात के हमारे दो दिन प्रवास थे और कल मैं अहमदाबाद में बख्शीगंज मोर्चे की बैठक में था। हमारे साथ में गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष उदय भाई कांगड़ जी, क्योंकि बख्शीगंज मोर्चा पूरे प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वार्ड तक पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है और आने वाले चुनाव में बख्शीगंज मोर्चे की बहुत अहम रोल होगी। और जो समाज भाजपा से नहीं जुड़ा है, जो माइक्रो ओबीसी है, उसको जोड़ने का काम बख्शीगंज मोर्चे का है, क्योंकि उसको जोड़कर उसको मुख्य धारा में लाया जाए और उस समाज को भी राजनीति में भागीदारी मिले, जिसका उद्देश्य माननीय मोदी जी ने पूरे देश में चलाया है। और पहली प्राथमिकता, क्योंकि गुजरात पूरे देश में यहीं का मॉडल पूरे देश में इस्तेमाल होता है, इस बार चुनाव में यहाँ एक ऐतिहासिक विजय होगी। 182 की 82 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां जीतने वाली है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि बख्शीगंज मोर्चा पूरे समाज, हर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।